कोरोना काल में सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और इससे जो असुविधा हो रही है उससे जो जनता है वो काफी ज्यादा, ये तो बिल्कुल न्यूज वाले स्टाइल में, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मैं। पनिश करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, आप ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दो तो पनिशमेंट मिल जाएगी मुझे और आपका साथ में मिल जाएगा। तो हाय गाइस, दिस इज गैबी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और यहाँ पे बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने न्यूज वाले स्टाइल में बताया। और अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुई थी हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, जिसकी वजह से भैया उन्होंने बॉर्डर ही सील कर मारे थे। प्रॉब्लम काफी सीरियस है, मे बी प्रिकॉशन के लिए किया हो या जो भी किया हो वो उनके इंटरनल मैटर्स है, लेकिन अब जो है बॉर्डर खुल गए हैं और अब आप मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हो। बिकॉज आपको जब दिल्ली में घुसना है तो इधर आप हरियाणा से घुसते हो या फिर आप यूपी से घुसते हो, ठीक है, यही दो स्टेट आते हैं इसके अगल बगल। फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इन केस अगर आप हरियाणा में हो एंड यू वांट टू मूव इन दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली में जाना हो या गाजियाबाद वगैरह जाना हो, तो कैसे मूव कर सकते हो हरियाणा से किसी और जगह पे और उसके लिए ई पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो ऑप्शन बताऊंगा मैं यहाँ पे इस वीडियो में। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है saralhariana.gov.in। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप क्लिक करिए सीधे आपको वेबसाइट पर ले जाएगा लिंक। यहाँ पे देखिए वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाती है, मनोहर लाल खट्टर जी आ जाते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर। बाकी चीजों को छोड़कर हम सीधे बात करेंगे कि भैया आप मूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप मूवमेंट पासपोर्ट जनरल पब्लिक अप्लाई करना है यहाँ पे। तो जब भी आप मूव करना चाहते हो आपको डिप्टी कमिश्नर का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं पास के लिए अप्लाई, क्लिक करते हैं लिंक को, ये आपको एक नए टैब में लेके जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि मूवमेंट पास फॉर COVID-19 कर्फ्यू या लॉकडाउन के लिए है। तो जब भी आपको मूव करना है कर्फ्यू में या लॉकडाउन में तो आपको इस पास की जरूरत है, इसके बिना आप मूव नहीं कर सकते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है लेकिन ये देख के आप घबराइए मत, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो देखिए कैटेगरी में अगर आप पब्लिक को छोड़ के बाकी चीजों में है तो आपके पास वैलिड रीजन होगा यहाँ पे दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने का या दिल्ली में घुसने का। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक हो और आपको दिल्ली जाना है किसी और पर्पज से, किसी और काम से, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे पब्लिक वाला कैब। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एनसीआर में हो और आपको दिल्ली में चेकअप कराना है या फिर कोई और कारण हो तो बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना है और कब से कब तक का पास चाहिए वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लो आप। अथॉरिटी देख लो आप, तो फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद में हूँ तो मैं फरीदाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर्पस लिखना है आपको, मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, आपका नाम, आपके फादर का नाम या आपके हस्बैंड का नाम, आपकी एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट भरना है। जो जो यहाँ पे पूछा सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ यहाँ पे आपको एक पर्सनल डिटेल देना होगा कि वहाँ पे आप अपना आईडी प्रूफ क्या लगा रहे हो। तो आप वहाँ पे डीएल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी या फिर पैन कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हो एज अ आईडी प्रूफ। वो डाल के यहाँ पे नंबर वगैरह डालना है, आपको अपना एड्रेस बताना है बिल्कुल सही सही। और उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीजें अपलोड करनी है। अपलोड में सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज जो है वो आपका POI या POA मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स उनमें से जो आपने ऊपर नंबर डाला है बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो नीचे आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल दिया हमने और यहाँ पे आधार कार्ड की फोटो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द पर्पस, तो यहाँ पे हम मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं। तो दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी क्लिनिक का आपके पास अगर प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है लेटर हेड पे वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या और भी कोई कारण है उसका, कोई लेटर वेटर है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन जो स्लिप है वो भी अपलोड कर दी। इसके बाद आप कैसे जा रहे हो वो सारी डिटेल देनी है, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी चालू नहीं हुआ है। तो भाई आपको आपका व्हीकल का नंबर, व्हीकल का मेक, व्हीकल का कलर और यहाँ पे व्हीकल टाइप कौन सा है वो सारी चीजें देनी है। और एडिशनल पर्सन डिटेल्स में वो बंदा जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किसी ऐसे बंदे का नाम लिखना चाहते हो कि अगर आप कहीं फंस गए दिल्ली वैली में या किसी दूसरे स्टेट में तो वहां पे वो लोग किसको कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे ये कैप्चर डालना है, वोट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स भर के मैं चलता हूँ आगे। और आगे जाने के बाद ये आपसे क्रॉस वेरीफाई कराता है कि भाई जो डिटेल्स आपने भरी है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लो सारी डिटेल्स, और ये सारी चीजें चेक करने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो आपको ये एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आपका सरल आईडी है, यहाँ पे रिसिप्ट की डेट है। यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है इससे आप मूव नहीं कर सकते हो अंटिल अनलेस आपके पास प्रॉपर पास नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। और फिर ये देखिए यहाँ पे आई सरल से मेरे फोन पे मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका एप्लीकेशन
वेरिफिकेशन हमने रिसीव कर लिया है, आपको थोड़ा सा वेट और करना है, मतलब 5-10 मिनट, और इतनी देर में वो लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। और यहाँ पे आपको सिस्टम से दूसरा मैसेज आ जाता है जिसपे आपका मूवमेंट पास आईडी वगैरह आ गया, और यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, किधर से किधर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है आपकी कार वगैरह की डिटेल्स के साथ। कर्फ्यू पास है वो कहाँ से डाउनलोड करना, तो नीचे एक लिंक आ जाता है sarlharyana.gov.in जो भी है, और लिंक को आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है एक वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना होता है, जो आपने अभी कर्फ्यू पास बनाया था उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आया था आपके पास, वो नंबर यहाँ पे डालना, और यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड सर्टिफिकेट पे, और डाउनलोड सर्टिफिकेट करते ही आपके पास यहाँ पे आ जाता है पास आपका पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे सारी डिटेल्स है कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, जो भी आपने भरा था वो सारी चीजें यहाँ पे दोबारा आ गई। अब बस आपको ये जो पास है ये दिखाना है जब भी आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, और यहाँ पे इस तरीके से आप ई पास अप्लाई करके यहाँ से वहां जहां भी जाना है, मतलब प्रॉपर रीजन होना चाहिए तभी आप जा सकते हो। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, मैंने सोचा आपको बताऊं, शेयर करूं। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ जो फंसे हैं। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।